हेलो फ्रेंड्स, अंकिता किचन ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ झटपट तैयार हो जाने वाला खीर, वो भी कम समय में। तो यहाँ मैं ली हूँ चावल, आप कोई सा भी चावल यूज कर सकते हैं। तो ये मैं खीर बनाने वाली चावल ली हूँ। मैं इसको 2 से 3 घंटे पानी में भिगो कर रखूँगी। यहाँ देखिए, मैं 1 चम्मच घी ली हूँ चावल को भुनने के लिए। यहाँ देखिए, चावल को अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब मैं इसको कुकर में बना रही हूँ झटपट तैयार हो जाने वाला खीर, जो कम समय में खीर बन जाएगा आपका। यहाँ देखिए, इसको धीरे धीरे भूनेंगे। यहाँ देखिए, भून चुका है और मैं दूध पहले से गर्म करके रख चुकी हूँ। यहाँ देखिए, अच्छी तरीके से भून चुका है। यहाँ मैं दूध गर्म ली हूँ, उसमें दूध और हल्का सा पानी। आप चाहे तो दूध भी पूरा उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं हल्का पानी डाली हूँ। यहाँ देखिए, इसको 1 सीटी लगाएंगे कि चावल अच्छी तरीके से कुक हो जाए। यहाँ देखिए, चावल 1 सीटी दे दिया है। यहाँ देखिए, चावल अच्छी तरीके से पक चुके हैं। अब मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। यहाँ देखिए, अच्छी तरीके से चलाएंगे, उससे क्या होगा, आपके खीर परफेक्ट बनेंगे और गाढ़े बनेंगे। यहाँ देखिए, इसको अच्छी तरीके से चलाते रहेंगे। यहाँ देखिए, धीरे धीरे गाढ़ा होने स्टार्ट हो चुका है। यहाँ देखिए, अब मैं इसमें ऐड करूँगी शक्कर, शुगर। यहाँ देखिए, टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें शक्कर ऐड कर रही हूँ। यहाँ देखिए, आप खीर का गाढ़ापन देखिए, ये जल्दी झटपट तैयार हो जाने वाली खीर है। यहाँ देखिए, मैं इसमें ऐड करूँगी 2 से 4 इलायची, आप पाउडर भी डाल सकते हैं। इसमें काजू, बादाम और पिस्ता ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो किशमिश भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ देखिए, खीर हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये खीर अच्छी लगेगी, रेसिपी अच्छी लगेगी, तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहाँ देखिए, मैं खीर का गाढ़ापन आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहाँ पे देखिए, खीर कितनी अच्छी बनी है। मैं इसको गार्निशिंग करूँगी कुछ ड्राई फ्रूट्स से। अगर आपको अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना